दीदी जुले, आप एक बार कैमरा पे बोल दो। सॉरी, आप रिकॉर्ड कर रहे हो। सो इट सेज वी आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन। हम तो सन 1971 का पहले पाकिस्तान का अंदर था। अच्छा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45। हम चल रहे हैं थोड़ा सा तुरतुक एक्सप्लोर करने के लिए, और ये हम लोग हैं मोरोल होमस्टे में, वहाँ से हम अभी जा रहे हैं बाहर की तरफ। सो ये अपना मोरोल होमस्टे, और ये देखो मैं जो बोल रहा था, बाहर से कुछ लोग आए थे उनका बाइक, और ये तो हिमालयन है, बाहर की रजिस्ट्रेशन है, बट दिस इज़ हिमालयन एंड दिस इज़ ए BMW, ही हैज़ कवर्ड इट। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे। ये ब्रिज देखो, ये कनेक्ट कर रहा है इस एंड को, रोड को, उस एंड के गांव के साथ। एंड वहाँ लॉट्स ऑफ कैफेज हैं, और जो हम सारा चीज़ें देखने जा रहे हैं ना, नेचुरल फ्रीजर एंड ऑल आर लोकेटेड ऑन द अदर साइड। एंड आप इधर के स्ट्रीम को देखो, बहुत बढ़िया। और ये, अरे आराम से। तो ये जो है ना, शायद इसका स्टार्ट पॉइंट होगा वाटरफॉल, विच इज़ काइंड ऑफ 2.1 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। बहुत आवाज़ आ रहा है, आई एम ट्राइंग टू शाउट एट द टॉप ऑफ माई वॉइस। फ्रेंड्स कैफे, जहाँ पे हम कल आए थे बाल्टी को दिन, जो हमने खाया था ना, और यहाँ से हम सीधा जाएंगे जो उनका ट्रेडिशनल पुराना घर है, जो नेचुरल फ्रीज है, एंड और भी मल्टीपल चीज़ें आपको आगे जाके बताते हैं। गांव के अंदर जा रहे हैं हम अभी, विलेज के अंदर है ना, यहाँ पे गेस्ट हाउस, होम स्टेज, और ऐसे आप देखो रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। तो हम और चल रहे हैं विलेज के अंदर। रिया, हाउ आर यू फीलिंग? गुड गुड, प्योर एयर मिल रहा है, प्योर एयर। टायर्ड हुआ? नहीं, अच्छा लग रहा है अभी। सो इनसाइड विलेज, दिस इज द गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रायचन फारोल। और ये देखो, कल जो हमने कुजीन खाया था ना, तो इसके फूल को यूज किया जाता है उसमें। फ्रीजिंग पॉइंट होम स्टे। तो फ्रीजिंग पॉइंट राइट पे है क्या, पहला फ्रीजिंग पॉइंट? सरो, लेट अस गिव इट अ ट्राई। मैप तो है नहीं हमारे पास। दीदी जुले, ये फ्रीजिंग पॉइंट किधर है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वो पत्थर में जो ठंडा हो जाता है, इधर है। अच्छा, और वाटरफॉल किस तरफ है? झरना ऊपर है, इधर से जाता है। तो इधर से चलना है। चलो जुले, इधर आगे जाना है। मुर्गी देखो, जंबो साइज। सो दिस इज द वे टू नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट। वो जो दीदी ने मेरे को गाइड किया, तो वी केम दिस साइड। केयरफुल। कैसा है अंदर का एक्सपीरियंस? ठंडा है यहाँ पे, पानी थोड़ा थोड़ा सीपेज होता है, इसलिए शायद ठंडा है। तो गाइज, दिस इज नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट। स्वरूप बोल रहे अंदर ठंडा है, अब रिया जाओ फिर मैं जाऊंगा। अरे ठंडा लगा, डर गया। देखो देखो, मैं भी जाता हूँ। जो डर गया समझो। अरे वाह, और भी है। पूरा 5 से 7 डिग्री डाउन हो जाता है। दिस इज ऑसम, ऑसम। नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट 1 वी हैव रीच्ड हियर। सो दिस इज नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट तुरतुक। अब हम जाते हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर। ये देखिए, याक का जो स्किन है ना, इसको ये पेड़ के अराउंड रैप करके रखे हैं, आई डोंट नो व्हाई। जुले, आगे जाने से क्या मिलेगा देखने के लिए? इधर से, इधर से जाने से, जाने से मिलेगा आपको। हाँ, वो म्यूजियम मिलेगा। म्यूजियम इधर से जाना है? अभी वो खुला रहेगा अभी। वाटरफॉल, झरना वगैरह, मोनेस्ट्री, झरना, इधर से ही, इधर से ही है ना? ठीक है, आगे म्यूजियम है। जुले, रो रही थी ऐसे। कहाँ से, कहाँ से? हम लोग मुंबई से आ रहे हैं। मुंबई कांदिवली, आप जानते हो? मेरी एक्चुअली, मेरे भांजा हूँ, पर डोंगरी में। डोंगरी? हाँ हाँ हाँ, डोंगरी मालूम है। ओके, तुम रो रहे हो? इतने सुबह सुबह उठा दिया इसलिए। म्यूजियम इधर है? म्यूजियम सीधा चलो। ओके, बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम। आगे जाते हैं, देखते हैं अंदर जाने को मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे बाल्टी कुजीन है, वेलनट, एंड देन
आगे है ये देखो मलबरी, आई थिंक दिस इज अ होम स्टे, नॉट श्योर। और ये है बाल्टी हेरिटेज हाउस। ये नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट एक तो हम देख के आए हैं। नहीं वो यहाँ से थोड़ा दो मिनट की डिस्टेंस पे एक और है। जी जी ठीक है, तो दोनों चलते हैं ना। नहीं एक हो गया ना फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं दूसरा भी देख लेंगे। नहीं दोनों जाएंगे, दो टिकट। तो म्यूजियम और कॉन्सर्ट दोनों का 100 रुपीज। 100 रुपीज है ना। और वो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे जाते हैं, आप लेके जाओगे? हाँ मैं लेके जाऊंगी यहाँ से। ओके दीदी जुले, आप एक बार कैमरा पे बोल दो। सॉरी आप रिकॉर्ड कर रहे हो। ये कितना ओल्ड है दीदी? ये 150 इयर्स ओल्ड है ये बिल्डिंग। जी जी। और अंदर जो रखे हुए हैं वो सब? अंदर वो भी मोर देन 100 इयर्स ओल्ड है जो उस टाइम पे यूज होते थे। ओके दिस सीम्स टू बी 150 इयर ओल्ड एंड यहाँ पे बहुत कुछ रखे हैं पुराने टाइम के। टॉय वो मेड आउट ऑफ आईबेक्स हॉर्न। अच्छा दिस इज द टॉय वो, ये जो है ना ये आईबेक्स हॉर्न से बना हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये तो इन्वर्टर, ये जो है ना वो खेती वेती में जो यूज होता था वो सब चीजें लग रही हैं। अगेन दिस इज द स्कल और ये यूटेंसिल्स है। ये उनके कपड़े हैं, कितने पुराने हैं। दिस इज द हैट, और ये ठंडी से बचने के लिए। ये डेफिनेटली दिस विल बी हाँ शिप, रॉ शिप के जो ऊल्स है ना रिया उनसे बने हुए हैं। शूज है उस टाइम के ना, देखो कैसे जूते होते थे, सब बाल्टी डायनेस्टी के हैं। ये लिविंग एंड डाइनिंग रूम है और यहाँ पे जो है ना ये बच्चों का स्लीपिंग चैम्बर है, कितना छोटा है। एंड ये साइड में ये शायद गर्मी के लिए, उस समय तो बुखारी नहीं होते थे, या फिर ये कुकिंग के लिए होगा उनका। एंड यहाँ से आगे जाते हो तो पेंट्री है लाइक किचन कुकिंग वाला जो। और ये जो बेसमेंट में जाने का रास्ता है ये एक्चुअली कोई रास्ता नहीं है, दिस इज डोंग, इट इज़ यूज टू स्टोर ग्रेन्स। एंड यहाँ का 3,500 किलो का कैपेसिटी है। एंड रिया चली गई है स्टोर रूम में, एक झलक में आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द स्टोर रूम। इससे वो ऐसे चावल उठाती है। किससे? अच्छा हाँ 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 मग जैसा ना। तो दीदी हमको लेके जा रही है नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट 2 है ना ये? नहीं ये कोल्ड स्टोरेज है, नेचुरल कोल्ड स्टोरेज। नेचुरल कोल्ड स्टोरेज। अरे वाह, लाइट तो नहीं है, सिर पे लगेगा, सिर पे लगेगा, मत उठाना सिर। तो ये वाला और टेम्परेचर डाउन है ना नीचे वाला, अभी आप उसको स्टोर नहीं करते हो? कुछ स्टोर नहीं करते हैं। अच्छा बट अभी यहाँ पे आपने रखा हुआ है फ्रूट्स वगैरह? फ्रूट्स तो नहीं रखते हैं हम, इसमें घी रखते हैं और कभी कभी दूध दही और जो वुलन ड्रेसेस बाहर खराब होते हुए। अच्छा बहुत अच्छा है एक्चुअली। घी इसमें, ये देखो ना वुलन तो है ऑलरेडी, 35-40 इयर्स तक चल जाते हैं। बहुत बढ़िया, ऑसम। ओके चलते। फिर 2017 में हमने म्यूजियम बनाया है। okay. इससे पहले हम यूज करते थे या ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखते थे। अच्छा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं जो स्टोन, जो बड़े बड़े कुकर्स है। हुँ. और बाकी सामान इधर उधर और ये वुलन ड्रेसेस इसमें रखते थे। हाँ. बोरी में डाल के। तो दीदी क्या बोल रही है, जो स्टोन कुकर हमने देखा है उस समय सिंस मेटल था नहीं तो सब स्टोन कुकर से यूज करते थे, और एक विजिट तो आपको यहाँ पे देना चाहिए। वी आर हेडिंग बैक, तो अभी हम लोग नाश्ता करते हुए होटल जाएंगे, चेकआउट करेंगे एंड देन वी विल गो टू द लास्ट विलेज विच इज थांग विलेज। त्याक्षी होते हुए जाएंगे हम लोग, ये लोग शायद इधर ही रुके थे रात भर। तो अभी हम लोग तुरतुक विलेज घूम के आ गए, ओह क्या टायर्ड हो गए। अब हम निकलेंगे थांग विलेज की तरफ, तो बहुत अंधेरा आ रहा है, तो अभी हम लोग निकलेंगे थांग विलेज की तरफ। तो थांग विलेज इज़ द लास्ट विलेज ऑफ द कंट्री एंड वहाँ से हम LOC वगैरह देखेंगे, बंकर्स वगैरह देखेंगे। और ये आप देखो, दिस वॉज द डाइनिंग एरिया। कल बहुत लो लाइट था, मैं वीडियो वगैरह नहीं ले पाया, यहाँ पे हमने मस्त डिनर किया। आई विल पुट ए फोटो अराउंड। तुरतुक से निकल चुके हैं, आपने देखा ही है, तो मरोल होम स्टे से निकले। अभी हम लोग त्याक्षी विलेज एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे त्याक्षी इको विलेज करके भी दिख रहा है, कुछ रूम्स अवेलेबल है, आपको रहना है तो आप यहाँ भी रह सकते हो। ये भी हम लोग कंसीडर कर रहे थे एक्चुअली। एंड अभी सीधा हम लोग आगे निकलेंगे थांग विलेज के तरफ। तो ये देखो ताक्षी कैफे, समर कैंप एंड कैफे, राइट। ताक्षी में भी अच्छी स्टेज है। हाँ ताक्षी में भी अच्छी स्टेज है, ताक्षी हिडन प्राइस एट LOC कैंप बाल्टी किचन। यहाँ पे भी बाल्टी कुजीन ही चलता है जो हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बाल्टिस्तान का, हाँ ये बाल्टिस्तान का पार्ट है, तो आधा पार्ट इंडिया में है आधा पार्ट पाकिस्तान में है। पाकिस्तान नहीं, रेदर POK चेक पोस्ट है, तो मैं बंद करते हैं। त्याक्षी विलेज क्रॉस किए,
जहाँ पे लास्ट आई गेस इंडिया का होम स्टे वहीं पे है ये एरिया में, उसके बाद कोई होम स्टे अलाउड नहीं है। अभी हम जा रहे हैं थांग की तरफ जो कि 13 मिनट है यहाँ से, 5.9। तो त्याक्षी विलेज में जो लास्ट होम स्टे है ना, दैट इज त्याक्षी इको होम स्टे, उसके बाद जो BSF का जो कैंप है, तो आर्मी का ही बोल सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो वहाँ पे हम लोगों को एक आई कार्ड, तीन लोगों में से एक आई कार्ड जमा रखा उन्होंने, आधार कार्ड, और बाकी लोगों का आधार कार्ड उन्होंने विजुअली चेक किया। सॉफ्ट कॉपी भी चलता है यहाँ पे, तो दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जाके फिर घूम के आके उनको मतलब जैसे ही घूम के आएंगे हम लोगों को वो आईडी कार्ड वहाँ से नंबर बोल के लेना पड़ेगा। ये एक स्कूल है, त्याक्षी स्कूल। हाँ, और अभी एक आर्मी के फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, आर्मी के बस में हमने देखा वो लोकल बच्चों को स्कूल पे लेके जा रहे हैं, सो दे आर डूइंग सम सोशल सर्विस ऑल्सो इट सीम्स। एंड आप आगे देखो जो वो बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, हायर सेकेंडरी स्कूल, बहुत एज वाइज बड़े नहीं लग रहे? हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है ये। हाँ। ये हम एंटर कर रहे हैं थांग विलेज, बी एरिया, बॉर्डर एरिया प्रोबेबली। और यहाँ पे कहीं पे एक बोर्ड लगा हुआ था, यू आर अंडर एनिमीज ऑब्जर्वेशन, राइट। यहाँ पे भी ट्रैवलर्स हैं, हम लोग के आगे जा रहे हैं, हम लोग के आगे छह गाड़ी आ गई थी, तो उसमें से दो वापस आ रही है, और भी चार होंगे आगे। बीच का रोड थोड़ा खराब था, हमारा आईडी कार्ड नंबर 7 था। हाँ, बीच का थोड़ा सा, वो 100 मीटर भी नहीं था, 50 मीटर का पैच खराब था, तो देख के आते हैं। वो मुझे ब्लैक फ्लैग क्यों दिखा स्वरूप? वो लगता है LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ी हम लोग क्रॉस करेंगे। नहीं, देखो कहाँ पे ब्लैक फ्लैग है, एक पत्थर में ब्लैक फ्लैग था जहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। लेफ्ट में देखो शियोक नदी जा रहा है यहाँ से बांग्लादेश, सॉरी पाकिस्तान। ये आगे 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 चल रहे हैं, डेफिनेटली BSF का कुछ होगा, 900 मीटर पे है ना मैप के हिसाब से। 2.2 किलोमीटर POK, गिलगित बाल्टिस्तान से हम लोग 2.2 किलोमीटर है। तो ये देखो यहाँ की फैमिली, बच्चे देखो बहुत ही क्यूट होते हैं। हाथ बढ़ाते हैं वो लेफ्ट में लग तो रहा है बंकर्स, बट दिख नहीं रहा है। हाँ, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, लेफ्ट में छोटे 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 सारे बंकर्स हैं। ओके, ये पाकिस्तान है, वो पहाड़ी। हाँ, वो ऊपर गाड़ी है, वो ऊपर देखो वहाँ तक गाड़ी आ गई है, रोक रहे हैं। ब्रो डोंट टेक इट अप, कार पे ये लग जाएगी नीचे से, थोड़ा साइड पे लगा लेना, एंड बहुत कम डिस्टेंस है वो। ठीक है वही करते हैं, थैंक यू। गाड़ी लग जाएगी। हाँ, ये जगह पे हल्की सी लगी थी मेरी, यहाँ पे लगी थी, एंड गो स्लो, या वेरी स्लो, या थैंक यू। इट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट जहाँ पे गाड़ी लेके जा सकते थे, बट आगे एक सिरान थी तो उसने मुझे बोला कि आप नीचे रोक देना, तो आई पार्क्ड माय कार हियर, एंड फ्रॉम हियर वी विल वॉक अप टू दैट पॉइंट। हे, तो वी आर एट बाल्टिस्तान, तो इसका कुछ पार्ट इंडिया में है, कुछ पार्ट POK में है, एंड अभी हम लोग थांग विलेज के एक्सट्रीम एंड पॉइंट पे हैं। एंड व्हाट इज रिटन इन द बोर्ड, इसकी करीब यहाँ से 1.1 किलोमीटर में वी हैव द LOC। सो इट सेज वी आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन एंड इंडो पार्क बॉर्डर व्यू पॉइंट, और 200 मीटर आगे है। पाकिस्तान से घूम के आते हैं, ये देखो यहाँ एक छोटा सा कब्रिस्तान है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना। एक MS वाले ने मुझे बोला कि आप गाड़ी लेके मत जाओ, ये टच हो जाएगा रोड, बट मेरी गाड़ी यहाँ से आराम से जा सकती थी। वेलकम टू इंडियन नॉर्दर्न मोस्ट एंड लास्ट कैफे रेस्टोरेंट एट थांग विलेज, द बाल्टिस्तान रेस्टोरेंट। तो दिस सीम्स टू बी द लास्ट रेस्टोरेंट, एंड यही है LOC व्यू पॉइंट, ओनली स्टैंडिंग एट थर्ड नॉर्दर्न मोस्ट विलेज कैफे ऑफ इंडिया। वहाँ आगे तक चलते हैं, ऊपर की पहाड़ियाँ देखो, पता नहीं कहाँ कहाँ बंकर हैं, कहाँ कहाँ से लोग हम पे नज़र रख रहे हैं। और ये लास्ट स्कूल है जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल थांग है ना, दिस सीम्स टू बी द लास्ट स्कूल, और ये आंगनवाड़ी सेंटर है थांग का, अच्छा बच्चों का खेलने का भी बना हुआ है। तो ये यहीं पे रहते ना? हाँ, हम तो 1971 का पहले पाकिस्तान का अंदाज था। अच्छा, उसी में पाकिस्तान में 19 साल रहा जी। अच्छा, अभी 1971 में लड़ाई हो गया,
जो बोलान गाँव इंडिया का था जी, और हाँ। चुलुंग का बोलान था का, चुलुंग का बोलकर एक गाँव है जी। अच्छा, वही मैं पाकिस्तान का था जी। अच्छा, फिर सन 1971 में लड़ाई हुआ, हम लोग भी जो चार गाँव था वो पाकिस्तान का अंदर था जी। अच्छा, फिर सन 1971 में लड़ाई हो गया, फिर सिर्फ दो दिन फेरिंग चल गया जी चुलुंग और बोलांग में, फिर पाकिस्तान का फौज भागते गया जी, अपना इंडिया पीछे आते आते चार गांव आज़ाद किए जी। अच्छा, चुलुंग का एक, तुर्तुक दो, क्यासी तीन, थांग से, थांग थांग ये अपना इंडिया का लास्ट गांव, ये चार गांव था पहले पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अंदर में था। आप पहले से ही थांग में रहते हैं? पहले थांग में रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ से कुछ ये है क्या, बाइनोकुलर दूरबीन वगैरह है जिसे देख सकते हैं? नहीं था, पहले था। अच्छा, अभी बंद किया हुआ था, हम लोगों को क्या हो गया पता नहीं। हाँ। पहले हम लोग लड़की लड़का था हमारा, 17-18 दूरबीन था जी। अच्छा, हम गाँव वाला सब आकर देखता था। हाँ। फिर अभी बंद किया जी, बंद किया 20 दिन हो रहा है जी। अच्छा। एक महीना 1.5 महीना हम लोग देखते रहा जी। अच्छा, फिर हम लोगों को बंद करो बोला, अभी घरों में रखा हुआ है तो है। हाँ, लेकिन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिया साइड है थांग विलेज। हाँ, इंडिया के साइड में थांग विलेज लास्ट है, और पाकिस्तान के साइड में फर्नू विलेज है लास्ट। तो रिया, ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये बोल रहे हैं टूरिस्ट के लिए बॉर्डर है। हाँ, टूरिस्ट के लिए, क्योंकि टूरिस्ट निकल जाते हैं ना। हाँ, आगे निकल पता नहीं चलता है। और फर्नू विलेज कहाँ है? वो बिल्कुल वो वाला पीछे वाला है, वो पेड़ पेड़ जो दिख रहा है ग्रीन, वहाँ है वो बिल्कुल पीछे वाला है। अच्छा, फर्नू विलेज है। हाँ, नीचे जो है ना, नीचे वो ग्रीन दिखाई दे रहा है। नीचे ग्रीन दिखाई दे रहा है, ग्रीन जो है उस गाँव का एक खेती इलाका है। अच्छा, फर्नू विलेज का खेती है। हाँ, और वो जो पिंक घर दिख रहा है नीचे, हाँ, वो ये घर जो है अपना ओलोसी है, वो एलओसी है। हाँ, ये ओलोसी है। नहीं, एलओसी है। तो वो जो आप पिंक छोटा सा बिल्डिंग देख रहे हो ना, मैं चाहे तो जूम कर दूंगा, वो एलओसी है, ये ओलोसी है। अच्छा, चार का फेंसिंग लगा हुआ है वहाँ। अच्छा अच्छा, हमेशा रहता है वहाँ पर। ठीक है, वो नदी जा रहा है ना। हाँ, वो नदी के साथ पूरा अपना इंडिया का है। वही। अच्छा, अपना का बैंकर जो है ना। हाँ, वो जो व्हाइट कलर का जो दो बंकर है ना। हाँ, वो इसमें तो पत्थर का बहुत है। हाँ, व्हाइट कलर का वो अपना इंडिया का है, अपना इंडिया का है। और पाकिस्तान का बंकर दिखता है यहाँ से? पाकिस्तान का बंकर जो है ना, वो ग्रीन है ना। हाँ, वो ग्रीन के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा पहाड़ है ना। हाँ हाँ, छोटा पहाड़ है। हाँ, उसके ऊपर देखो दीवार जैसा लगा हुआ है ना। हाँ, दिख रहा है उनका बंकर, वो उनका बंकर है। बाइनोकुलर से हम और अच्छा देख सकते थे, बहुत अच्छा देख सकते थे। नहीं, फिर भी आपने इतना बता दिया, इतना दिखाया, अच्छा लगा। ठीक है, आपका नाम? अहमद शाह। अहमद शाह। तो स्वरूप क्या ले रहा है? एप्रिकॉट ड्राइड। दीदी कैसा है एप्रिकॉट? प्राइस? प्राइस 350 का भी है, ये 300 का ही है, 350 का। अच्छा रहेगा ना? हाँ, बहुत अच्छा है भैया, इसको लेके आप पछताएगा नहीं। जरूर बच्चों को रुला देता है। नहीं नहीं, हम लोग जा रहे। चाचा का तो बात सुना ही है। तो 1971, वो मतलब बोल रहे थे 19 साल हम लोग पाकिस्तान के अंडर थे, 47 से ये पाकिस्तान के पास ही था। तो 71 में चार विलेज को आज़ाद किया, बोगडांग, तुर्तुक, त्याक्षी और ये थांग। तो वो थांग में रहते थे, तो वो इंडिया के सिटीजन बन गए। फर्नू भी हो जाता, लेकिन सिस्पायर लगता है। हाँ, वो वही बोल रहे हैं कि इंडियन सेना पूरा बढ़ रही थी, फर्नू भी हो जाता अपना, बट द थिंग इज तब तक सिस्पायर हो गया। जो फेंसिंग है वो आप देख रहे हो लोहे का, स्टील का, वो एलओसी है एक्चुअल वाला। और वो जो पिंक वाला जो पोस्ट है ना, वो इंडियन पोस्ट है। तो इंडियन पोस्ट एकदम एलओसी के कॉर्नर पे है, और हम जहाँ तक गए थे, जहाँ पे वो पब्लिक खड़ी है, दैट इज लाइक टूरिस्ट एंड पॉइंट। आपने देखा, हम लोग थांग विलेज विजिट किए, एंड अभी हम सीधा निकल रहे हैं टुवर्ड्स ले। तो यहाँ का जो लाइफ है ना, मुझे एक्चुअली में बहुत बुरा लगा। एक दीदी के पास एप्पल्स भी अच्छे नहीं थे, बट स्वरूप ने फिर भी लिया, बिकॉज वो दो बच्चों के साथ बैठी हुई थी। सो एनीवेज, आज का मैं ब्लॉग है ना, तुर्तुक विजिट एंड थांग विलेज विजिट का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। और फिर इन द नेक्स्ट ब्लॉग वी विल मीट, वेयर वी विल गो फ्रॉम थांग टू ले। सो इतना वीडियो देखा है, एक लाइक तो बनता है। आपके लिए मैं ये मुश्किल रास्ते होते हुए यहाँ पे आया, ये शिवक नदी के साथ हम लोग फिर ले चलेंगे। तो या कीप आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर नेवर मिसिंग एनी वीडियो, और आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। टिल देन बाय जुले फ्रॉम थांग विलेज।